Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 20th March 2019. तो 20 मार्च 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं. बिफोर वी स्टार्ट दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर. स्टेटमेंट वन इज सेइंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर सेलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर. सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर ही इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. क्वेश्चन नंबर टू इज एन इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर विच विल बिगिन ऑन मार्च 19, 2019 विल होल्ड एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस. तो ये इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाली है, तो इनमें से कहाँ होगी, कहाँ हुई. एंड ये अगर आपने PIB एनालिसिस देखा है तो ये क्वेश्चन आप कर लेते जरूर. ऑप्शन आर ए हैदराबाद, बी भोपाल, सी न्यू दिल्ली या डी देहरादून. क्वेश्चन नंबर थ्री इज विद रिस्पेक्ट टू एफ इंडेक्स 19. ये भी PIB में बताया गया था. ये सारी न्यूज़ PIB में आती है एंड हमारा जो PIB एनालिसिस होता है उसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं. एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट यू शुड वॉच PIB एज वेल, क्योंकि हम यहाँ पे केवल हिंदू डिस्कस कर रहे हैं, वी आर नॉट डिस्कसिंग PIB एनालिसिस. एंड PIB आपको सेपरेटली वो देखना चाहिए, दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल टू यू. तो विद रिस्पेक्ट टू एफ इंडेक्स 19 आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इट इज फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2019 बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया विच स्टार्टेड एट ऑन द मिलिट्री स्टेशन पुणे. स्टेटमेंट टू इज सेइंग दैट इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रैक्टिस and planning and conduct of humanitarian mine assistance and peacekeeping operations under chapter 7 of United Nations peacekeeping operations. तो ये दो स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कौन से सही हैं कौन से गलत. वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. सो दीज आर द थ्री क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नाउ इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट यू कैन ऑल्सो फाइंड द लिंक टू गेट आर PDF, जो हमारा PDF कंपाइलेशन है दैट कंप्राइजेज ऑफ द हिंदू न्यूज, द हिंदू एडिटोरियल्स. उसमें पूरा बजट पूरा आपको मिल जाएगा फरवरी की PDF में. सो यू कैन गेट दैट. क्वेश्चंस भी हमने कुछ बनाते हैं, जैसे सिंगल वन लाइनर क्वेश्चंस भी बना देते हैं ताकि जितने बार फैक्ट्स हैं अदर देन कंसेप्ट्स वो सारे आपके क्लियर रहें. सो यू कैन गेट द PDF फ्रॉम द लिंक्स गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन. लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट फ्रेंड्स. यहाँ पे फ्लोर टेस्ट की बात की जा रही है. सावंत गवर्नमेंट टू फेस फ्लोर टेस्ट टुडे. ये गोवा के नए जो चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं उनको अपना फ्लोर टेस्ट, मतलब फ्लोर टेस्ट मतलब बेसिकली आपको मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी. वहाँ पे एक बार फिर से वोटिंग होगी एंड यू हैव टू प्रूव योर मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. ओके, तो यू हैव टू प्रूव योर मेजोरिटी दैट यू हैव गॉट द कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली. तो आपको अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करना पड़ेगा, इसी को फ्लोर टेस्ट बोलते हैं. ओके, तो ये दैट इज द थिंग. और प्रमोद सावंत जो वहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, प्रमोद सावंत. ओके, तो याद रखिएगा उनको अपना फ्लोर टेस्ट में अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड न्यूज आइटम. दिस इज रिगार्डिंग अ वुमेन नेम्ड चंद्रानी प्रसाद वर्मा. ओके, तो पहले यहाँ पे माइंस एक्ट की बात कर रहे हैं. तो माइंस एक्ट 1952, तो क्या हुआ, बेसिकली लेबर मिनिस्ट्री ने भी अनाउंस किया है अमेंडमेंट टू द माइंस एक्ट 1952. ओके, लेबर मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है अमेंडमेंट टू द माइंस एक्ट ऑफ 1952 टू अलाउ वुमेन टू वर्क इन अंडरग्राउंड कोल माइंस. ओके, वुमेन को अलाउ करेगा 1952 के अमेंडमेंट, 1952 के माइंस एक्ट को अमेंड करके टू अंडर फॉर अंडरग्राउंड कोल माइनिंग. ओके, याद रखिएगा वुमेन को अलाउ किया जाएगा. एंड दे विल ऑल्सो बी एबल टू वर्क नाइट शिफ्ट इन ओपन कास्ट माइन्स. ओके, तो वुमेन नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं इन द ओपन कास्ट माइन. अब ये बेसिकली चंद्रानी प्रसाद वर्मा जो है जिनको कंसिडर किया जाता है दैट शी इज द फर्स्ट फीमेल माइनिंग इंजीनियर. ओके, चंद्रानी प्रसाद वर्मा इज नोन एज इन द नोन अक्रॉस द कंट्री एज फर्स्ट फीमेल माइनिंग इंजीनियर. ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट फीमेल माइनिंग इंजीनियर कौन है, तो चंद्रानी इज द फर्स्ट फीमेल माइनिंग इंजीनियर, ऐसा कहा जाता है. एंड माइन्स एक्ट 1952 को भी रिसेंटली लेबर मिनिस्ट्री ने बोला अमेंड करके वुमेन को अलाउ किया जाएगा फॉर अंडरग्राउंड कोल माइनिंग और उनको ओपन कास्ट माइंस में भी काम करने की, नाइट शिफ्ट करने की परमिशन मिलेगी. सो दिस इज द थिंग विच इज देयर, याद रखिएगा ये सारी चीजें. ओके, और यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च जो है वो नागपुर में है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च इज इन नागपुर. ओके, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च इज इन नागपुर. तो दिस इज अनदर फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर. तो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी, चंद्रानी का नाम याद रखिएगा, फर्स्ट फीमेल
माइनिंग इंजीनियर, उसके अलावा मैंने आपको माइंस एक्ट 1952 कमेंड करके क्या बोला जा रहा है वो बताया, देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च जो है वो कहाँ पर है, नागपुर में. सो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, दैट विल बी इनफ फ्रॉम दैट न्यूज़ आइटम. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं. यहाँ पे स्टेट में आस्क ईडी फॉर सीबीआई टू प्रूव एमएसएससी. अब एमएसएससी क्या है बेसिकली, एमएसएससी का फुल फॉर्म होता है महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉरपोरेशन, महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉरपोरेशन. अब बेसिकली अभी क्या है, ऐसा एलिगेशंस लगे हैं दैट देयर वाज फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट इन द महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉरपोरेशन. मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुए महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉरपोरेशन में, और उसको चेक करने के लिए ईडी या फिर सीबीआई की मदद लेनी पड़ेगी. एमएसएससी है क्या बेसिकली, दे प्रोवाइड पर्सनल टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स. ओके, पर्सनल प्रोवाइड करते हैं, लोगों को प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स एज पर सेक्शन 15(1) ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉरपोरेशन एक्ट. ओके, तो महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉरपोरेशन एक्ट है जिसके सेक्शन 15 के अंतर्गत जो एमएसएससी है वो पर्सनल प्रोवाइड करते हैं टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स. ओके, अब इसको हेड कौन करता है एमएसएससी को, इट इज हेडेड बाय एन आईपीएस ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. दिस इज अनदर फैक्ट व्हिच इज इंपॉर्टेंट, एमएसएससी इज हेडेड बाय एन आईपीएस ऑफिसर ऑफ द रैंक डीजीपी, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की रैंक के ऑफिसर को ही हेड करने के लिए परमिशन है, याद रखिएगा. And that person, that IPS officer who is of the rank DGP is also the managing director of corporation. Okay, the managing director of the corporation भी वही होता है. And secretary of the home department is its chairperson. जो secretary of home department है वो इसका chairperson होता है. So these are the important positions under this MSSC. याद रखेगा, personal provide करते हैं government को, financial mismanagement के लिए इनको कंप्लेंट की गई थी और अब उसको सीबीआई या ईडी को दिया जाएगा. ईडी के बारे में आपको बता दिया हूँ मैं पहले ही कि ये दो स्पेशल लॉस को इन्फोर्स करते हैं, एक है फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का, दूसरा है पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. ये दोनों एक्ट ये देखती है बॉडी ईडी, एंड 1956 में ओरिजिनली ये बनी थी एज इन्फोर्समेंट यूनिट. ओके, 1956 में इसको इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में बनाया गया था, याद रखिएगा, दैट इज अनदर थिंग. एंड 1957 में इसको रीनेम करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया था. ओके, एंड जो करंट चेयरमैन है वो संजय कुमार मिश्रा है, एंड इट फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर अभी एट प्रेजेंट ये काम करती है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑल्सो. हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपको, आगे मूव करते जाते हैं. प्रिपेयरनेस फॉर वेस्ट नाइल फीवर रिव्यूड. तो वेस्ट नाइल फीवर मैंने पहले ही बता दिया कि अभी रिसेंटली केरला में इसके कुछ केसेस को देखा गया था. वेस्ट नाइल फीवर आपको पता है सबसे पहले 1937 में वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट ऑफ युगांडा में मिला था. ये फ्लेविवर्डी फैमिली के वायरस को बिलोंग करता है. देर इज़ नो ह्यूमन वैक्सीन ऑफ दिस डिसीज़, कोई ह्यूमन वैक्सीन नहीं अवेलेबल है इसकी. एंड बर्ड्स आर द नेचुरल होस्ट ऑफ द वायरस, बर्ड्स आर द नेचुरल होस्ट ऑफ द वायरस. तो जब मॉस्किटो रहता है वो पहले बर्ड्स को बाइट करता है और वहाँ से फिर मॉस्किटोज के अंदर आती है, एंड देन जब वो बाद में हमें बाइट करेगा तो फिर वो इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू हमारे अंदर तक आएगा. इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो बोलते हैं, यदि लिखा हुआ है इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो. ओके, एंड दे स्प्रेड फ्रॉम बर्ड्स टू ह्यूमन्स, ये बर्ड्स से ह्यूमन में जाती है. तो ये वेस्ट नाइल फीवर की बात याद रखेगा, बर्ड्स से ह्यूमन्स में जाती है, तो पूछ सकते हैं हिसाब से. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं. इंडिया रीच आउट टू मोजाम्बिक. बेसिकली मोजाम्बिक में इंडिया ने अभी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन भेजा है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन फॉर मोजाम्बिक टू इवैक्यूएट अबाउट 5,000 पीपल स्ट्रैंडेड एट बूजी. ओके, टू इवैक्यूएट नियरली 5,000 पीपल स्ट्रैंडेड एट बूजी विच इज़ नियर पोर्ट बीरा. ओके, तो वहाँ पे पोर्ट बीरा है जो कि मोजाम्बिक में ही है, तो ये लोकेशन भी याद रखिएगा, पोर्ट बीरा इन मोजाम्बिक. और यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि जो ये अफ्रीकन नेशन मोजाम्बिक है, इट हैज़ बीन डिवास्टेटेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन इडाई. ओके, तो इडाई साइक्लोन से ये डिवास्टेट हुआ था. ये अफ्रीकन नेशन है, इट्स एन अफ्रीकन नेशन मोजाम्बिक, एंड वहाँ पे पोर्ट बीरा, वहाँ पे लगभग 5,000 लोग स्ट्रैंडेड हैं नियर द बूजी, नियर पोर्ट बीरा. उनको निकालने के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इंडिया ने दिया है, दैट इज़ द गुड थिंग. एंड इट्स एन अफ्रीकन नेशन डिवास्टेटेड बाय साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन इडाई. ओके, तो ये भी याद रखेगा. पिनाकी चंद्रा घोष अपॉइंटेड द फर्स्ट लोकपाल, पीसी घोष को पहला लोकपाल बना दिया गया है. एंड लोकपाल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मेंबर्स होते हैं
द मेंबर्स ऑफ द लोकपाल विल इंक्लूड 8 मेंबर्स. देखो लोकपाल में 8 मेंबर्स होते हैं, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड दे आर फॉर्मल हाई कोर्ट जजेस एंड सिविल सर्वेंट्स, याद रखिएगा 8 मेंबर्स आर देयर, 1+8 होता है लोकपाल प्लस 8, एंड 8 मेंबर्स आर देयर लोकपाल के अंदर इंक्लूड होते हैं. एंड पिनाकी चंद्रा घोष जो है वो ओवरऑल लोकपाल के हेड हैं. ओके ओके, तो फर्स्ट ऑम्बुड्समैन जो है वो लोकपाल के कौन है, पिनाकी चंद्रा घोष है. एंड लोकपाल एक्ट जो था वो 2013 का एक्ट था, इट वॉज पास्ड इन 2013 एंड नोटिफाइड ऑन January 16, 2014. ओके, लोकपाल एक्ट वॉज पास्ड इन 2013. ओके, याद रखिएगा 2013 में लोकपाल एक्ट पास हुआ था, पिनाकी चंद्रा घोष पहले इसके हैं. एंड 8 मेंबर्स भी अपॉइंट होते हैं, इसके अलावा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंटेड द 8 मेंबर्स. एंड ये आपको पता ही है बाकी चीज़ लोकपाल के बारे में, कि उसको एक सबसे पहला जो कंट्री थी वो स्वीडन थी जिसने 1809 में किया था. द फर्स्ट कंट्री टू अपॉइंट लोकपाल और ऑम्बुड्समैन वॉज इन 1809 स्वीडन. स्वीडन पहली कंट्री थी. एक सर्च कमेटी होती है जो उसके बाद नाम सजेस्ट करती है टू अ सिलेक्शन कमेटी, एंड देन सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है कि कौन बनेगा. एंड सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, स्पीकर होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है या उसका कोई नॉमिनी, एंड एमिनेंट ज्यूरिस्ट. ये सारी चीज़ याद रखेगा. ओके, करतारपुर में जीरो पॉइंट क्या है, करतारपुर कॉरिडोर में जीरो पॉइंट इज द प्लेस वेयर सिख पिलग्रिम्स विल क्रॉस ओवर. ओके, तो क्रॉस ओवर जहाँ पे होगा उसको जीरो पॉइंट नाम दिया गया. दिस इज अनदर थिंग, क्रॉस ओवर जहाँ पे होगा सिख पिलग्रिम्स का वो कहलाएगा जीरो पॉइंट. ओके, करतारपुर कॉरिडोर के बारे में सबको पता है, इट विल लिंक द गुरदासपुर इन इंडियन पंजाब एंड करतारपुर इन पाकिस्तानी पंजाब. तो गुरदासपुर को पाकिस्तान के करतारपुर से जोड़ा जाएगा. एंड गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जो था वो 1522 में गुरु नानक देव ने बनवाया था, 1522 में गुरु नानक देव ने बनवाया था. एंड नानक देव ने अपने जिंदगी के अंतिम के जो समय थे वो यहीं बिताए थे. एंड इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर. ओके, तो रावी रिवर में ये लोकेटेड है. वीजा फ्री एक्सेस के लिए करतारपुर कॉरिडोर बनाया जाएगा. एंड 550th बर्थ एनिवर्सरी में ये स्टार्ट किया जाएगा, बेसिकली अगले साल नहीं, इसी साल मतलब नवंबर में. ओके, एडिटोरियल पेज में आते हैं, व्हाट हैज चेंज्ड पोस्ट बालाकोट. बेसिकली लीड आर्टिकल इज ऑन व्हाट हैज चेंज्ड पोस्ट बालाकोट. तो ऑथर का ये कहना है बेसिकली कुछ भी ऐसा खास चेंज नहीं हुआ है आफ्टर द एयर स्ट्राइक्स. बालाकोट आपको पता है पाकिस्तान में है, वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स की हमारे यहाँ की एयरफोर्स ने, लेकिन ऑथर का फिर भी यही कहना है, सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है कि नथिंग हैज चेंज्ड मच, जैसा पहले था सेम हम स्टेटस को में आ चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल ही हैज गिवन द फॉलोइंग पॉइंट्स टू प्रूव हिज पॉइंट. ओके, कुछ चीज़ें उन्होंने बोली. फर्स्ट थिंग इज दैट हाई कमिश्नर्स विदड्रॉन इन फेब्रुवरी फॉर कंसल्टेशन हैव रिटर्न टू इस्लामाबाद एंड दिल्ली. जो हाई कमिश्नर जिनको वापस खींच लिया गया था वो दोबारा रीच कर गए अपनी अपनी जगह पे. फिर यूएनएससी का 1267 कमेटी जो था दैट हैज फेल्ड टू डेजिग्नेट मसूद अजहर एज अ टेररिस्ट अगेन. तो पहले भी फेल किया था, अभी फिर से फेल कर दिया. मैनी पीपल क्लेम दैट इंडिया हैज कॉल्ड आउट पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ. पाकिस्तान्स 4 न्यूक्लियर रेड लाइन्स आर कैप्चर ऑफ अ लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी. इट्स मिलिट्री फेसिंग अनएक्सेप्टेबल लॉसेस. इंडिया अटेम्प्टिंग इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन एंड फाइनली लार्ज स्केल पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन. क्लियरली नन ऑफ द रेड लाइन्स वॉज इवन क्लोज टू बी क्रॉस्ड. तो हमने ऐसा कोई चीज़ नहीं किया. जैसे पाकिस्तान चार चीज़ें बोलती है कि ये देखो हमने स्ट्रैंगुलेशन करने की कोशिश की, बट कहीं ना कहीं वो बैकफायर ही किया. जैसे कि पहले हमने MFN स्टेटस खींचा, फिर हमने 200% से ऊपर हाइक की, ड्यूटी हाइक की, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड तो हमारे ही फेवर में था, तो वो कहीं ना कहीं हमको ही नुकसान करता, उनको नहीं करता. फिर हमने एथलेटिक्स मतलब स्पोर्ट्स के सेक्शन में उनको स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से पहले इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी उसने हम ही को वापस खदेड़ दिया. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो थी कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा. एंड पोस्ट वाला कोड भी ऐसा कोई ऐसा डिफरेंस नहीं क्रिएट हुआ है. ओके, तो ऑल द थिंग्स आर गोइंग एज इट इज़. कोई उसी तरीके से पाकिस्तान को फेवर कर रही हैं दूसरी कंट्रीज, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो सेम उसी तरीके से पाकिस्तान को फेवर कर रही हैं जैसा पहले कर रही थी. UAE और सऊदी अरेबिया ने उनको वही असिस्टेंस दिया है बार बार, अगेन एंड अगेन दे हैव बीन गिवन द सेम असिस्टेंस बाई UAE एंड सऊदी अरेबिया. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं. एंड ये सारी फिर उसके बाद जो पानी इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंतर्गत जो इंडिया ने बोला कि हम आपसे पानी खींच लेंगे, लेकिन जब इंटरनेशनल प्रेशर आया तो उन्होंने बोला नहीं, हम सिर्फ अपना ही पानी पूरा 100% यूज़ करेंगे, हम नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे. तो ये सारी चीज़ें भी हुई. तो बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि नथिंग मच हैज़ चेंज्ड पोस्ट बालाकोट, बट देर आर सर्टन क्वेश्चन दैट डिजर्व सीरियस कंसिडरेशन. तो कुछ क्वेश्चन है जिनके कंसिडरेशन जरूरत है. काफ़ी खास आर्टिकल नहीं था, बहुत ज़्यादा ओवरऑल एक आर्टिकल था.
नाउ दिस सेकेंड आर्टिकल इज ऑन वॉट कुड बी डन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. ओके, तो क्या किया जा सकता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. ऑथर सेज दैट फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वी नीड टू इंसेंटिवाइज ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं. टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वी नीड टू इंसेंटिवाइज ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट. जितने भर स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनको इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है. नाउ ऑथर हैज हाईलाइटेड द केस ऑफ हरियाणा. हरियाणा में भी रिसेंटली क्या हुआ है, हरियाणा ने सक्षम ब्लॉक्स बनाए हैं. मतलब यू हैव टू डिक्लेयर योर ब्लॉक एज सक्षम ब्लॉक. अब एक सक्षम ब्लॉक क्या है, जिसमें 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स आर ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंट. ओके, तो एक सक्षम ब्लॉक वो ब्लॉक होता है जिसमें 80% से ज़्यादा बच्चे, मीन्स मोर देन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स आर ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंट. अब वहाँ पे जो अलग अलग ब्लॉक्स हैं वो सक्षम ब्लॉक बनने की होड़ में लग गए हैं. दे आर कम्पीटिंग टू गेट डिक्लेयर देमसेल्फ एज सक्षम ब्लॉक. ओके, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी दिया जा रहा है ताकि 80% का जो टारगेट है वो पूरा किया जा सके. टीचर ट्रेनिंग, इंटरनल असेसमेंट की सारी चीज़ें, रेमेडियल प्रोग्राम्स की सारी चीज़ें की जा रही हैं टू अचीव दैट 80% टारगेट. ओके, अब बेसिकली क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि फिर ये सारी जो सक्षम ब्लॉक्स हैं इनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा बाय द चीफ मिनिस्टर एंड दे विल ऑल्सो बी द इवेंट विल ऑल्सो बी ऑर्गेनाइज टू ऑनर देम. उनको ऑनर भी किया जाएगा, उनको कुछ हो सकता है मॉनिटरी इंसेंटिवाइजेशन भी दिया जाए. तो बेसिकली सक्षम ब्लॉक्स बनने की होड़ में लग गए हैं. ऑथर का यही कहना है कि जो ये सक्षम ब्लॉक्स का जो आइडिया है, सक्षम घोषणा का जो आइडिया है हरियाणा में, तो उसको आप ऑल इंडिया लेवल पे भी ला सकते हो. ओके, ऑथर हाईलाइट्स दैट दिस हरियाणा मॉडल कुड बी यूज्ड बाय अदर स्टेट्स टू इम्प्रूव देयर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स. दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, आप भी इसको केस स्टडी में लिख सकते हैं. जब भी आपको हायर एजुकेशन के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर लिखने के लिए आए तो आप इस चीज़ को जरूर डाल सकते हैं केस स्टडी में, हरियाणा का जो मॉडल है ये. नाउ ऑथर ऑल्सो हाईलाइट्स दैट द स्कूल एजुकेशनल क्वालिटी इंडेक्स डेवलप्ड बाय नीति आयोग. याद रखेगा, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स किसने डेवलप किया है, नीति आयोग ने डेवलप किया है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड SEQI जो है ये स्कोर देता है स्टेट्स को बेस्ड ऑन देयर एजुकेशनल परफॉर्मेंस एंड पुट्स दिस डेटा आउट ऑन द पब्लिक डोमेन. तो इस SEQI यानी कि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स किसने प्रिपेयर किया है, नीति आयोग ने प्रिपेयर किया है. फिर ये डेटा को ऑनलाइन भी पब्लिकली पब्लिश करता है. ओके, सो ये सारी चीज़ें ऑथर ने बताई. इसके अलावा यही है कि इनको इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है. जब तक इनको इंसेंटिवाइज नहीं किया जाएगा तो हायर एजुकेशन या एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी. एंड वी नीड टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन एजुकेशन सिस्टम. अगर हम एम कर रहे हैं ग्रेटर रोल में, ग्रेटर एस्पिरेशंस में ग्लोबल इकोनॉमी बनने के लिए, देन वी नीड टू ट्रांसफॉर्म अवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम. तो ऑथर ने वो वाली बात की है कि हमको पूरे एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा शफलिंग करने की ज़रूरत है. और ये सारी चीज़ें जब करेंगे तभी हम अपने कंट्री को और ज़्यादा डेवलप बना सकते हैं, ग्लोबल एरिना में ला सकते हैं. डिसएम्पावरिंग ग्राम सभाज. बेसिकली दिस आर्टिकल इज ऑन द रोल ऑफ ग्राम सभाज बीइंग अंडरमाइंड इन द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत आपको वैसे पता होना चाहिए कि ग्राम सभा को बहुत ज़्यादा पावर्स हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर और दूसरे डिसीजन मेकिंग के ऊपर. ग्राम सभा को बहुत ज़्यादा पावर दी गई थी. ऑथर सेज दैट द FRA वॉज इनएक्टेड टू रिकॉग्नाइज द प्री एग्जिस्टिंग राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स. जो FRA 2006 आया था, यानी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो आया था, वो इनैक्ट किया गया था टू रिकॉग्नाइज द प्री एग्जिस्टिंग राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स. FRA gives their gram sabhas the responsibility and authorities for sustainable use, conservation of biodiversity and maintenance of ecological balance. तो जो powers हैं sustainably use करने की and conserve करने की biodiversity को, वो basically gram sabha को ही दी गई है under the Forest Right Act. Okay? This act created for the first time a space for forest dwellers to participate in decision making. बहुत सही बात है. जो forest right act आया था वो पहली बार ऐसा हुआ था जिसने कि forest dwellers को participate करने की power दी थी in the decision making. जो उनके decision है वो खुद ले पाएं, इसलिए forest right act 2006 लाया गया था. जो ग्राम सभा है उनके members कौन होते हैं, उनके members वही लोग होते हैं, tribals ही होते हैं. तो basically उनको decision making का power दिया गया था through this forest right act. Okay? अब बेसिकली अभी रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके अलावा पहले से भी ऐसा हो रहा था कि जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसके अंतर्गत जो उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है. मतलब कि जो ग्राम सभाज है उनको डिसीजन मेकिंग से एलिमिनेट किया जा रहा है. ओके, एंड जो एकम्प्लिश करना चाहता था फॉरेस्ट राइट एक्ट, बेसिकली वो एकम्प्लिश नहीं हो पा रहा है. ओके, दे आर एलिमिनेटिंग ग्राम सभाज फ्रॉम डिसीजन मेकिंग. ऑन February 26 MOEFCCC ट्राइड टू एंड दिस रोल ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स बाय राइटिंग टू ऑल स्टेट दैट FRA कंप्लायंस इज नॉट नीडेड फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूव
अप्रूवल ऑफ डाइवर्जन. डाइवर्जन मतलब लैंड का यूज आप किसी और पर्पस में अगर आप करें. तो MOEF CCC ने बोला, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने ऐसा बोला कि आपको ग्राम सभा का अप्रूवल नहीं चाहिए. ठीक है, 26 फरवरी को यह नोटिफिकेशन आया था. बेसिकली जैसे ही डाइवर्जन होता है, डाइवर्जन का मतलब लैंड का जो यूज है किसी दूसरे पर्पस के लिए किया जाए तो डाइवर्जन कहलाता है वो. अब डाइवर्जन करने के लिए अगर ग्राम सभा की परमिशन नहीं ली जाएगी तो बेसिकली एक तरीके से ग्राम सभा का रोल आपने एलिमिनेट कर दिया. ओके, ग्राम सभा का रोल आपने एलिमिनेट कर दिया. तो ये नहीं होना चाहिए था. जो चीज़ अकम्प्लिश करना चाहता था फॉरेस्ट राइट एक्ट, वही होना चाहिए. और वो पावर जो डिसीजन मेकिंग की है वो लोगों को ही देनी चाहिए. दिस इज वॉट ऑथर वॉन्ट्स टू कन्वे. यहाँ पे ये आर्टिकल बेसिकली इनोवेशन रिकिंडल्ड है कि नंबर ऑफ इंटरनेशनल पेटेंट्स फाइल्ड बाय इंडियन सिटीजन विद द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हैज रोज इन 2018. मतलब वाइपो, वाइपो क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे 2018 में हमारे पेटेंट्स जो फाइल किए गए हैं वो इंक्रीज हुए हैं. और सबसे अधिक पेटेंट्स जो हमने फाइल किए हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किए हैं. याद रखिएगा, द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट्स आर फाइल्ड इन फार्मास्यूटिकल. आपको दिख रहा होगा 3948, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3903, उसके अलावा बायोटेक में भी अच्छा किया हमने. एंड फिर आपको दिख रहा होगा बाकी के लिए कंप्यूटर में, मेडिकल में, ये सारे में थोड़े थोड़े हमने किए हैं. ओके, और ओवरऑल एशिया की बात किया जाए, एशिया की पीक अगर देखी जाए तो जापान सबसे ज़्यादा है. चाइना सबसे ज़्यादा है. ओके, चाइना में, ये मैंने नंबरिंग आई थिंक उल्टी लिख दी है, चाइना में सबसे ज़्यादा है, इसको आप हटा दीजिए. चाइना सबसे ज़्यादा है 53,340, देन जापान है, देन आपका साउथ कोरिया है, ये आपको दिख रहा होगा. ओके, एंड इंडिया में भी 2000 है. तो चाइना जहाँ 53,000 करता है, जापान वहाँ 49 करता है, चाइना है, साउथ कोरिया 17,000 करता है, इंडिया 2,000 करता है. नॉर्थ अमेरिका में सबसे अधिक है 58,396, ये भी आप देख सकते हैं. अब एक पोल कॉल में हम देखते हैं पॉलिटिक्स के एक टर्म डीलिमिटेशन के बारे में. वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल डीलिमिटेशन. बेसिकली डीलिमिटेशन का मतलब ये होता है, जैसे आपने कंस्टिट्यूएंसीज देखी होंगी, जैसे आपके हमारे एमपी में मध्य प्रदेश में 29 कंस्टिट्यूएंसीज है ना, 29 सीट्स के लिए इलेक्शन होगा. 29 सीट्स बेसिकली वो 29 कंस्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन होता है ना. तो ये जो प्रोसेस है कंस्टिट्यूएंसीज को बनाने की, इसको कहते हैं डीलिमिटेशन. Delimitation is commonly used in the context of drawing boundaries for assembly and Lok Sabha constituencies based on the recent census. अब ये population यानी census के basis पे होता है, याद रखेगा. And ये article 82 है जो constitution का बोलता है. Article 82 of the constitution says that parliament by law enacts a delimitation act after every census. Parliament बना सकता है एक delimitation act. ओके, जैसे ही ये एक्ट फोर्स में आता है, वंस दिस डिलिमिटेशन एक्ट कम्स इनटू फोर्स, देखो पार्लियामेंट ने सबसे पहले क्या करेगा, वो एक्ट बनाएगा, डिलिमिटेशन एक्ट. ओके, डिलिमिटेशन एक्ट जैसे ही फोर्स में आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट्स अ डिलिमिटेशन कमीशन. उस एक्ट के बेसिस में एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाई जाती है. ओके, फिर डिलिमिटेशन कमीशन क्या करती है, डिमार्केट करती है बाउंड्रीज को जो कंस्टिट्यूएंसीज बनती हैं. ओके, डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज जो कि बाद में क्या बनती है, उन्हीं को कंस्टिट्यूएंसीज बनाया जाता है. जो प्रेजेंट डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज है वो 2001 सेंसस के बेसिस पे किया गया है. 2001 सेंसस के बेसिस, द प्रेजेंट डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज हैज बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस. प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. जो डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज है वो प्रेजेंटली 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग किया गया है. और 2009 पार्लियामेंट्री इलेक्शन से ये स्टार्ट हुआ था. एंड 2002 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया, अकॉर्डिंग टू 2002 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, देयर विल नो फर्दर डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टिल द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026. तो 2002 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि कोई फर्दर डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं होगा टिल द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026. तो फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026 का मतलब क्या है, 2031. तो कुल मिला के 2031 वाला जो सेंसस है तब तक कोई डिलिमिटेशन अब नहीं होगा. दिस इज एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002. 2002 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया उसके अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया. ओके, दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर. इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, जहन में बिठा लीजिए. ओके, एंड जो करंट एलोकेशन ऑफ सीट्स है लोकसभा में वो 1971 बेसिस पे फ्रीज है. ओके, ये भी याद रखिएगा, जो करंट एलोकेशन ऑफ सीट्स है वो 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग है और जो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग है जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है. ओके, दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर. India will never forget the Pulwama attack. This is what Doval has said. And CRPF के जो जवान शहीद हुए थे उनकी याद में इस बार CRPF कोई होली सेलिब्रेट नहीं करेगी. याद रखिएगा, CRPF जो ओरिजिनली बनी थी 1939, CRPF was raised in 1939 as Crown Representatives Police. याद रखिएगा, CRP इसको बोला गया था, Crown Representatives Police.
ओके, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस 1939 में बनी थी, ब्रिटिश रूल के टाइम में। इसको सीआरपीएफ बनाया गया 1949 में, ओके, रिमेंबर दैट इट वॉज रीनेम्ड एज सीआरपीएफ इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसको 1949 में रीनेमिंग हुई। 39 में ये बनी थी एज क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस एंड 1949 में इसको रीनेम किया गया सीआरपीएफ के रूप में, एंड इसको प्रेसिडेंट कलर ग्रांट किया गया था। प्रेसिडेंट कलर का मतलब क्या होता है, मतलब कि हाइएस्ट ऑनर विच इज बेस्टोड ऑन अ फोर्स, याद रखिएगा, उसकी एक्सेप्शनल सर्विस के लिए हाइएस्ट ऑनर बेस्टो किया जाता है, उसको प्रेसिडेंट्स कलर बोलते हैं, ओके। तो इट वॉज ग्रांटेड प्रेसिडेंट्स कलर इन 1950, तो 1950 में सीआरपीएफ को प्रेसिडेंट कलर से भी ऑनर किया गया था, एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पहले होम मिनिस्टर थे उन्होंने यह हाइएस्ट ऑनर दिया था फॉर देयर एक्सेप्शनल सर्विसेज, ओके। और ये पीस टाइम और वॉर टाइम दोनों टाइम में सेक्स सर्विसेज हो सकती हैं, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर रिगार्डिंग सीआरपीएफ। पैरामिलिट्री फोर्स आप सबको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, ये भी याद रखिएगा, इट्स अ पैरामिलिट्री फोर्स विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2018 कौन निकालता है, बेसिकली रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, याद रखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन निकालता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स उसको पब्लिश करता है। इलेक्शन का पेज है, कुछ खास न्यूज नहीं है इस पेज में। H1B वीजाज की बात कर लेते हैं, व्हाट इज H1B वीजाज। सो बेसिकली H1B वीजा अलाउज द US एम्प्लॉयर्स टू टेम्पोरली इंप्लॉय फॉरन वर्कर्स इन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन। तो जो US एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने यहाँ अपनी कंपनी में दूसरी कंट्री के फॉरन वर्कर्स को इंप्लॉय कर सकते हैं अंडर दिस रिजीम, वीजा रिजीम, जिसको H1B वीजा बोलते हैं, ओके। एंड अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस किए थे US गवर्नमेंट ने, ताकि जो US के यूनिवर्सिटी से पास आउट लड़के हैं, जो वहाँ के यूनिवर्सिटी से पास आउट बच्चे हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके इन H1B वीजाज का, बाकी लोगों को ना मिले। ना यहाँ पे फॉरेक्स स्वैप के बारे में आया है। फॉरेक्स स्वैप काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म चल रहा है इस समय न्यूज़ में, एक बार समझ लीजिए। बेसिकली देखो, फॉरेक्स स्वैप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है अपने आप में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है। इनफैक्ट मैंने 15 से 20 आर्टिकल रिगार्डिंग फॉरेक्स स्वैप पढ़े हैं, एंड आपको मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बताना चाहता हूँ। फॉरेक्स स्वैप का मतलब है एक्सचेंज, सिंपल से याद रखिएगा, एक्सचेंज। और दो डेट्स होती हैं इसमें, देर आर टू डेट्स, एक प्रेजेंट की डेट होगी और एक कोई फ्यूचर डेट होगी। प्रेजेंट की डेट में जो ट्रांजैक्शन करा जाएगा उसका रिवर्स ट्रांजैक्शन फ्यूचर डेट में किया जाएगा। दिस इज द थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दिस फॉरेक्स स्वैप। याद रखिएगा, क्या फॉरेक्स स्वैप यानी कि एक्सचेंज। सपोज हमारी यहाँ की करेंसी है रुपीस, हमने USA की करेंसी डॉलर के साथ फॉरेक्स स्वैप किया, हमने वहाँ USA से फॉरेक्स स्वैप किया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का स्वैप किया। आज हम उनको रुपये देंगे, वो हमको डॉलर देंगे। सेम चीज़ कुछ फ्यूचर में, यही सेम जितना अमाउंट आज है उतना ही फ्यूचर में भी ट्रांजैक्शन होगा, जिसमें हम उनको डॉलर देंगे और वो हमको रुपीस देंगे। बेसिकली दिस इज द अरेंजमेंट विच इज़ डन, ओके। इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, याद रखिएगा। सेल ऑफ आइडेंटिकल अमाउंट्स ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर विद टू डिफरेंट वैल्यू डेट्स, याद रखिएगा, विद टू डिफरेंट वैल्यू डेट्स। दिस इज द सेल ऑफ आइडेंटिकल अमाउंट्स ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर विद टू डिफरेंट वैल्यू डेट्स। फॉर एग्जाम्पल, RBI विल बाय, अभी जो प्रेजेंट में इस न्यूज आइटम में दिखा गया, इस न्यूज आइटम में लिखा है, RBI विल बाय $5 billion फ्रॉम बैंक्स फॉर इट्स रिजर्व्स बाय गिविंग देम रुपीज, ओके। $5 billion वो रेज करेंगे बाय गिविंग देम रुपीज, एंड दे विल रिवर्स द ट्रेड इन 2022। क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे ट्रेड इन 2022, 2022 में फिर वो उस ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर देंगे, ओके। तो ये बेसिकली बैंक्स के थ्रू होता है, याद रखिएगा। RBI बैंक से क्या करेगा, $5 billion लेगा और उनको रुपीस देगा। जब वो उनको रुपीस देगा तो वो रुपीस मार्केट में आएगा, वहां पे लिक्विडिटी बढ़ेगी, ओके। तो दिस इज बेसिकली लिक्विडिटी बढ़ जाएगी इससे, एंड द ट्रेड विल रिवर्स इन 2022। मतलब फ्यूचर की कोई डेट, जैसे ये 3 साल के लिए किया गया है ना, तो 3 साल बाद फ्यूचर की कोई डेट, 3 साल बाद वो सेम ट्रेड रिवर्स होगा। मतलब कि RBI फिर वो रुपए ले लेगा और $5 billion वो बैंक्स को दे देगा, ओके। तो दिस इज द थिंग विच इज देयर। इसका ऑक्शन शुरू किया जाएगा, ऑक्शन होता है बेसिकली, याद रखिएगा, एंड ये बैंक्स के थ्रू होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर में समझाने के लिए बता दिया था कि अमेरिकन डॉलर है, हमारे यहाँ का इंडियन रुपी है, हम क्या करेंगे, रुपी देंगे बैंक्स को और वहाँ से डॉलर ले लेंगे, तो वहाँ लिक्विडिटी आ जाएगी और फिर कोई फ्यूचर डेट में हम क्या करेंगे, बेसिकली उनसे रुपी ले लेंगे एंड उनको डॉलर दे देंगे, ओके। तो दिस इज द थिंग विच विल हैपन। टू डेट्स आर देयर, टू डिफरेंट डेट्स आर देयर, एंड इट इज द सेल एंड परचेज ऑफ सेम अमाउंट ऑफ करेंसी, ओके। तो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट था लेकिन इसको सिंपल बनाया मैंने, और आई होप कि आई वॉज मतलब एबल इनफ टू डू दैट थिंग, ओके।
जीएसटी काउंसिल ने भी बेसिकली जो बिल्डर्स हैं उनको एक ऑप्शन ये दिया है कि आइदर आप क्या कर सकते हो, दो चीज़ें दी हैं, 31 मार्च तक का टाइम दिया है, या फिर या तो आप पुराना जीएसटी रेट चुन लो 12% का विद द इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओके, आइदर यू सेलेक्ट द ओल्ड जीएसटी रेट ऑफ 12% विद इनपुट टैक्स क्रेडिट, और यू कैन चूज द लोअर और रिड्यूस्ड जीएसटी विद नो टैक्स क्रेडिट, ओके, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अभी प्रेजेंटली गवर्नमेंट ने क्या ऑफर दिया है, जीएसटी काउंसिल ने दिया है 31 मार्च तक का, कि या तो आप पुराना जीएसटी रेट 12% का सेलेक्ट करो, उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलती, या फिर आप रिड्यूस्ड जो जीएसटी रेट है उसको सेलेक्ट कर लो, लेकिन उसमें फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर अपने लिए जीएसटी काउंसिल इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बनी है, आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दे मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट ऑन इशूज रिलेटेड टू जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रिलेटेड ये यूनियन को और स्टेट को रिकमेंडेशन देते हैं। इट इज शेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ओके, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको हेड करता है और दूसरे मेंबर्स होते हैं इसमें, याद रखिएगा 279A, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। तो होप आपको क्लैरिटी आ गई, क्योंकि लास्ट पेज में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं, डायरेक्टली वहां मूव करते हैं। फर्स्ट न्यूज इज ब्राजीलियन फिजिसिस्ट विंस टेम्पल्टन प्राइज। अब ये फिजिक्स में टेम्पल्टन प्राइज मिला, बेसिकली साइंस में यहाँ फिजिक्स की फील्ड मिलता है, यस आई थिंक, तो टेम्पल्टन प्राइज मिला है ब्राजीलियन फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर मार्सेलो ग्लीजर को, ओके, तो मार्सेलो ग्लीजर फॉर हिज वर्क्स ब्लेंडिंग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, ओके, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को ब्लेंड करने के लिए टेम्पल्टन प्राइज मिला है मार्सेलो ग्लीजर को, ओके, तो मार्सेलो ग्लीजर हैज वॉन दिस टेम्पल्टन प्राइज फॉर 2019, $1.4 million वर्थ इस प्राइस इसमें मिलता है। एंड क्यों मिला है मार्सेलो ग्लीजर को ये प्राइस, बिकॉज ऑफ मर्जिंग ब्लेंडिंग साइंस विद स्पिरिचुअलिटी, ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है वो भी प्राइस से रिलेटेड ही है, फर्स्ट वुमेन बैगिंग द एबल प्राइस। तो एबल प्राइस किस फील्ड में मिलता है, मैथमेटिक्स की फील्ड में मिलता है, कैरन अहलन बेक इनको मिला है, कैरन अहलन बेक, ओके, ये नाम आप देख लीजिए, कैरन अहलन बेक, दिस इज द शी इज द फर्स्ट वुमेन टू गेट दिस एबल प्राइज, द फर्स्ट वुमेन टू विन द अवार्ड एबल प्राइज गिवन बाय द नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। याद रखिएगा नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स देती है, कैरन अहलन बेक, शी इज द फर्स्ट वन टू गेट दिस, एंड इसने इन्होंने जो काम किया था बेसिकली, शी हैज़ पायनियर्ड ज्योमेट्रिक एनालिसिस एंड गॉश थ्योरी, एंड इन्होंने डिफरेंशियल ये पार्शियल डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया, जिसके लिए इनको एबल प्राइज दिया जा रहा है फॉर मैथमेटिक्स, दैट इज द थिंग। यहाँ पे वर्ल्ड स्पैरो डे की बात भी की जा रही है, तो वर्ल्ड स्पैरो डे आज ही है, 20 मार्च को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड स्पैरो डे, ये यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों ने एक बार पूछा हुआ सवाल है, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड स्पैरो डे 20th March. So that is it for the day, friend. I hope you liked our video. Please do like, share, and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.